वृंदावन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत प्रेम मंदिर के समीप एक श्रद्धालु की कार का शीशा तोड़कर हजारों की नकदी आभूषण और दो मोबाइल पार कर दिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला मैनपुरी के गांव खरपरी निवासी श्रद्धालु ब्रज किशोर सिंह चौहान के अनुसार वे 23 जुलाई की रात को अपनी वैगनार कार प्रेम मंदिर के सामने पार्किंग में पार्क करने के बाद परिजनों के साथ दर्शनों के लिए चले गए। कुछ देर बाद जब वे दर्शन करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि कार का पीछे का शीशा टूटा हुआ था और कार में रखे तीन कपड़ों के बैग और एक लेडीज पर्स गायब था, जिसमें दो सोने की चैन, दो अंगूठी, एक जोड़ी कुंडल और करीब 30,000 रुपए नगद व दो मोबाइल, एटीएम कार्ड, चेक बुक, आधार कार्ड आदि कागजात रखे हुए थे। पीड़ित ने घटना के बारे में जब पार्किंग संचालकों से बात की तो वे लोग गाली गलौज और झगड़े पर उतारू हो गए। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं को दी गई पार्किंग की पर्ची पर नाम पर श्री राधा स्नेह बिहारी जी अंडरग्राउंड पार्किंग दुसायत अंकित था, जबकि कार प्रेम मंदिर के सामने पार्क की गई थी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर गिरिराज योगेश और राजेंद्र नामक तीन युवकों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पीड़ित श्रद्धालु ब्रजकिशोर सिंह ने जानकारी दी। ब्रजकिशोर सिंह निवासी खरपरी जिला मैनपुरी थाना कोतवाली मैनपुरी। तो क्या घटना हुई है? हमारी चोरी हुई है, गाड़ी पार्किंग खड़ी की थी, 50 रुपए पार्किंग वाले ने लिए थे और उन्होंने गाड़ी का वैगनार का शीशा पीछे से तोड़ के तीन बैग, एक पर्सनली हमारी मिसेज का पर्सनली बैग वो चोरी कर लिया। पर्सनल बैग में दो चैने, दो अंगूठी, एक कुंडल, दो मोबाइल ये रखे हुए थे। 30,000 रुपए थे जो उसकी सभी चुरा लिए, तीन बैग चुरा लिए। जब उनसे हमने कहा सुनी की तो हाथापाई पे उतारू हो गए। तो आपने गाड़ी कहाँ पार्क की थी आपने गाड़ी? ये राधा जो प्रेम मंदिर के सामने राधा भोजनालय उसके बगल वाली जो पार्किंग है वहाँ से। कितने बजे घटना है ये? 8:30 बजे। आपने इसके बाद कहीं सूचना दी? हाँ, थाने में सूचना दी रात को दी थी। फिर उसके बाद में? इसके बाद में अभी कार्रवाई चालू है। अब आपने लिखित में तहरीर दे दी? लिखित में अभी नहीं, लिखित में हमारे पास पर्चा भी, वैसे उन्होंने लिखित में यहाँ तहरीर लिखवा दी है। तहरीर लिखवा ली? हाँ, कल शाम को। कुल मिला के ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसके बाद आपने पार्किंग की रसीद भी कटवाई, उसके बाद ही वहाँ से चोरी हुई। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।